अब अगली मैच की बात करते हैं। देखिए, दो दिन की छुट्टी है, उसके बाद कौन किसकी छुट्टी करेगा। ऑकलैंड में जा रहे हैं, ये वो टेढ़ा मेढ़ा ग्राउंड है ना अपना, वही है, वहाँ से कहीं से लेफ्ट मार लेता है बाउंड्री, फिर आगे राइट मार लेता है, ऐसे उल्टा सीधा वहाँ पे होता है। उल्टा सीधा तो आज भी हो गया, अभी 350 रन बन गए, तो उस दिन पे क्या होगा। टीमों पे एक नज़र डालते हैं, न्यूजीलैंड की टीम पे अगर नज़र डालें तो न्यूजीलैंड की टीम तो सेम ही रहेगी, तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत की चर्चा में आप दोनों कह रहे हैं कि नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर के बीच में एक निर्णय लेना पड़ेगा इस टीम को, क्योंकि पिछले जो चार वनडे इंटरनेशनल हुए हैं और जो T20 है उसमें थोड़ी सी अब कन्फ्यूजन हो गई है कि ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप किस में करना चाह रहे हैं। नहीं, अगर हाई स्कोरिंग वेन्यू होगा, इस तरह से मैचेस होंगे, तो आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए। तो अगर सैनी भी बीच में खेलते हैं, शार्दुल भी खेलते हैं, तो अब तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा बेस्ट बॉलर इन दोनों में कौन है। सैनी तेज गेंदबाजी करते हैं, उनके पास रॉ पेस है, उनके पास बाउंसर डालते हैं, आजकल यॉर्कर्स भी सीख रहे हैं, स्लोअर डालना भी सीख रहे हैं, तो वो अच्छे होनहार गेंदबाज हैं मेरे ख्याल से। और जहाँ और देखिए, जब आप ट्राई करते हैं इस तरह से कॉम्बिनेशन जो होता है, 10 मैच में आप एक दो मैच इस तरह से हारेंगे आप, तो ये भी नहीं कि आप पैनिक कर जाएं, सारे बदलाव कर दें कि भाई ऐसा है, अब ये हमने बहुत ख़राब खेला, जो बाहर बैठे हैं चाहे मनीष पांडे हो चाहे चहल हो, अब आपकी बारी है, आप आ जाएँ, कुलदीप बाहर जाएँ या और कोई बाहर जाए, तो ऐसा वो तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी कोहली ने खुद बोला है कि अब यहाँ से हम थोड़ा चाहते हैं ठहराव लेके आएँ, अब प्लेयर को थोड़ा रोल दें, जो केएल राहुल को रोल दिया नंबर 5 का, वो बहुत सही निर्णय निकला कि चलो उनको देख रहे हैं और कामयाब भी हो गए। तो इस तरह से एक आध मैच में पैनिक नहीं करना चाहिए कि आप सडनली अगले मैच में ऑकलैंड में पहुंचे तो पूरे 4 के 4 बदलाव, मेरे ख्याल से ऐसा ना करें। एक आध चेंजेस कर सकते हैं, जो मैंने कहा कि ये फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन है। बुमराह, देखिए बुमराह हर बार आपका मैच नहीं जिताएंगे, उनका ख़राब दिन आने वाला है, शामी का भी ख़राब दिन आने वाला है, ये क्रिकेट ऐसा गेम है कि वो कहीं ना कहीं आपको लेवल पर ले आता है, तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है आप तैयार करिए, तैयार करना चाहिए उनके अलावा जो गेंदबाज हो, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हैं, चाहे आपके कुलदीप हैं, उनको भी और थोड़ा सा यू नो बहुत रन देते हैं, रन विकेट लेते हैं पर रन चले आते हैं, तो ओवरऑल ये चीज़ जहाँ काम कर सकते हैं, फील्डिंग बहुत और नहीं रही, फील्डिंग में और काम कर सकते हैं। विराट कोहली का जो रनआउट था वो छोड़ के मेरे पास ऐसा कोई स्टैंड आउट नहीं, जहाँ आप इतने हाई स्कोरिंग गेम में आपने कोई डाइविंग एफर्ट किया हो या यू नो एक ब्रिलियन रनआउट किया हो। कुलदीप ने कैच छोड़ा हुआ था, वहाँ से मैच पलट गया, रॉस टेलर का जो शतक बना, तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं जहाँ इस पर आप काम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के कौन क्या कब बोलेंगे, आइए एक टीम पे नज़र डाल दें ज़रा। लगता तो नहीं है यहाँ पर कि कोई बदलाव लाएंगे, एक लाना पड़ेगा ना, कि कोई ईश सोदी नहीं है, तो एक तो फोर्स चेंज हो जाएगा उनका कि ईश सोदी पहले मैच के लिए अवेलेबल थे, अगले दो मैच में पता नहीं बिजी हैं शायद आ नहीं रहे वो दूसरे दो मैच के लिए, तो उनकी जगह केन विलियमसन फिर भी अगले मैच के लिए फिट नहीं होंगे, उन्होंने कहा था कि दो मैच के लिए नहीं होंगे वो, तो एक खिलाड़ी जो हैं वो ग्रैंडोम की जगह आएंगे। पर वैसे तो आप उस टीम को सेम ही रखेंगे, क्योंकि किसी ने कोई मतलब जीते हैं आज और बड़ा मैच जीते। नहीं, टीम सेम होगी, अगर स्पिन कोई विकल्प हो तो वो खेल सकते हैं, कोई स्पिनर अच्छा करता आया है, न्यूजीलैंड की श्रृंखला रही है अभी तक, चाहे T20 की बात कर लें, स्पिनर ने अच्छी गेंदबाजी करी। और सर लेग स्पिनर तो ऐसे भी आजकल लेग स्पिनरों को विराट कोहली बड़ा पसंद आ गया। बिल्कुल, विराट जैम्पा, फिर उसके बाद सोडी, हो क्या रहा है, ओ व्हाट इज दिस, वो तकलीफ है थोड़ी सी, पर इनके पास लेग स्पिनर अभी सोडी के अलावा कौन है वो देखने वाली बात है, किसको लेके आएंगे। पर ग्रैंडोम ने भी अच्छी गेंदबाजी करी, उनके 10 ओवर में 40 रन के आसपास थे, एक बड़ा विकेट था, तो मेरे ख्याल से वो एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि वो मेन बॉलर है नहीं, तो जब आप इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम की, पांचवा बॉलर के बाद छठा विकल्प होना चाहिए, वो ग्रैंडोम काम करते हैं, तो आज के दिन उनका काम जो बॉलिंग स्विंग कराई, लाइन लेंथ से एक बड़ा विकेट था, पार्टनरशिप ब्रेक करी, वो एक हमेशा बोनस होता है कि भाई आपके जो जो मेन गेंदबाज है थोड़ा सा प्रेशर हट जाता है, तो वो विकल्प भारत को लेके आना पड़ेगा। पर ओवरऑल न्यूजीलैंड खुश होगी, इतना बड़ा चेज था, कॉन्फिडेंस लेके आएगी अगले मैच में। माय 11 सर्कल में आप अपनी टीम बना सकते हैं, जिससे पहले कि ये दोनों कप्तान अपनी टीम बनाएं, माय 11 सर्कल पे आप बनाइए, जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड दोनों के प्लेयर्स को जोड़ के अपने 11 का चयन करिए आप, और उसके बाद वो फील्ड में करेंगे, आप बैठे बैठे घर पे पॉइंट कमाएंगे, वो इससे अच्छी चीज हो ही क्या सकती है भाई, मेहनत कोई और करे, फल आप खाएं, देखिए यही तो मजा है माय 11 सर्कल का।